हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 19 अक्टूबर और आज मंगलवार दिन है। और मैं देखिए मॉर्निंग के टाइम अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और अभी मैं नहा चुकी हूँ फ्रेंड्स। और मेरा सारा काम मॉर्निंग का जो होता है, नाश्ता वगैरह, घर साफ सफाई सारा हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ बस पूजा करने के लिए, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और क्यों खुश हूँ मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल पूजा करने के लिए, और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पूजा शुरू हो गया है, मैं वही साफ सफाई कर रही हूँ। कल जो मैं चढ़ाई थी उसको मैं उतार ले रही हूँ, और पीला कपड़ा मैं कल बिछाई थी, आज मैं रेड बिछाऊंगी। मेरा कतरन जो रहता है उसी का मैं यूज करती हूँ फ्रेंड्स, जो भी बचा हुआ कतरन रहता है। देखिए आज मैं रेड बिछा दी हूँ, और पीला वाला मैं आज धो दूंगी, देखूंगी वैसा करूंगी। फिर पूजा हो गया मेरा कंप्लीट। देखिए मैं बस सिंपल सा पूजा की हूँ, और बादाम का मैं आज भोग लगाई हूँ फ्रेंड्स। और देखिए मेरा यह पूजा वाला जो रैक है ये मैं खुद से बनाई थी, जब मेरा ये पलंग बन रहा था ये वाला बेड, तो इसी का जो पलाई होता है उसी का टुकड़ा जो बच गया था उसी से मैं कील की हेल्प से मैं इसको मतलब चारों तरफ से ज्वाइंट करके एक बॉक्स बना ली थी। और पीछे का देखिए, पीछे यहाँ पर है ये दीवार है, पीछे मैं नहीं डाली थी क्योंकि इतना ही प्लाई बोर्ड बचा हुआ था, तो इसी को कील की हेल्प से मैं अटैच करके, और इसमें कलर वाला जो पेपर आता है वही पेपर मैं कलर वाला पेपर इसमें चिपका दी हूँ। और ये मेरा कोई खरीदा हुआ नहीं है फ्रेंड्स, मैं इसकी हूँ, मतलब घर में ही बनाई हूँ मैं इसको। और देखिए अभी मेरा पूजा करने में बहुत अच्छा काम आता है। और एक बोर्ड और है देखिए, ये छोटा वाला, ये इसमें मैं पूजा का जितना सामान होता है मैं उसी में रखती हूँ, और इसमें बस मैं पूजा करती हूँ। इसलिए मैं ज्यादा मूर्तियां वगैरह नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मेरा बहुत छोटा रैक है, इसीलिए जितना इसमें आता है उतना ही मैं रखी हूँ। यहाँ पर मैं लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति रखी हूँ देखिये, और ये कान्हा जी है, ऊपर से पीछे सारा पिक है, जो बड़ा बड़ा पिक है पीछे रखी हूँ, इधर सत्यनारायण भगवान है, और ये छोटा सा है एक पिक, और इधर देखिए साईं बाबा है, इधर बजरंग बली है। यहाँ लोटा में पानी रख देती हूँ हर रोज, जब भी मैं पूजा करती हूँ एक लोटा पानी और थोड़ा सा भोग लगाती हूँ। देखिए बस इसी तरह मैं सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ हर रोज। और कल है पूर्णिमा, तो कल मैं हो सकता है फूल वगैरह मंगाऊंगी, फूल भी चढ़ा दूंगी। आज तो फूल नहीं था तो आज बिना फूल का ही पूजा की हूँ मैं। और शिवलिंग मेरा आंगन में है, डब्बे में मैं लगा कर रखी हूँ शिवलिंग, और उसी में तुलसी जी है, तुलसी जी को भी लगाई हूँ आंगन में ही। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, और वहां देखिए अभी अपने दोस्तों के साथ, अभी उसका क्लास चालू नहीं हुआ है, 12 बजे होगा, अभी उसके दोस्तों के साथ खेल रहा है। हाय करो, हाय रिसु, हाय करो, तू क्या कर खरीद रहा है। पड़ोसी का बच्चा लोग है, रोज आता है वही खेलने के लिए, रोहन उसी में व्यस्त रहता है। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मेराज मैं जो खुशी के बारे में बात कर रही थी, मैं खाना नाश्ता करके बताती हूँ, YouTube की तरफ से मुझे खुशी मिली है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स मैं जा रही थी नाश्ता ही करने के लिए, और अभी मेरी सास भी अभी नई पूजा की थी, अभी वो भी पूजा कर रही हैं साथ में, क्योंकि आज उनको भी पूजा करना ही था, मतलब हर रोज़ वो नहीं करती हैं लेकिन आज उनका अभी मन था करने का, तो वो भी कर ली हैं आज। और देखिए मैं अभी बस थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ खाने के लिए, तब तक यहाँ एक कस्टमर आ गया था, तो वही मैं आईब्रो बनाने लगी उनका। तो लीजिए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, मैं निकाल ली हूँ अपना नाश्ता खाना सारा एक ही बार। देखिए दाल बनाई थी मैं, नाश्ता खाना सारा एक ही बार, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, अभी 11:10 हो गया है। और नाश्ता मैं आज बनाई थी दलिया, देखिए यही लंच में ले गई है रिया, और दलिया बनाई थी सुबह में, और करेला का भुजिया रोटी। तो रोटी अभी है 2 पीस बचा हुआ, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, मैं एक ही बार चावल खा लूंगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिए चावल ली हूँ, और बैगन आलू की सब्जी बनाई हूँ, और ये रात का सब्जी है गोभी आलू,
कल जो गोभी आप लोग देखे थे मैं ली थी ठेले से, वो मैं रात को बनाई थी। रात का ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ क्योंकि रात में लाइट का थोड़ा इशू रहता है, इसीलिए रात का ब्लॉग नहीं जाता है फ्रेंड्स आप लोगों के पास। मैं दिन का ही ब्लॉग बनाती हूँ ज्यादातर। जब लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं नाइट रूटीन भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। मेरी सास भी बैठी हुई है लेकिन कैमरे के सामने वो थोड़ा सा घिसक गई थी। और रोहन के लिए भी मैं खाना निकाली थी साथ में, लेकिन रोहन एक निवाला खा रहा है फिर जा रहा है खेलने के लिए, तो वो ऐसे ही करता है फ्रेंड्स। और मैं खाना वगैरह खाकर, बर्तन वगैरह भी सारा साफ़ हो गया है मेरा। और देखिए रोहन का कारनामा क्या किया है, वो किसी के घर के ऊपर जो मैं गन लेकर आई थी दसवीं को, उसका जो गोली होता है वो ऊपर कर दिया है और वो उससे निकल ही नहीं रहा था। तो मैं एक झाड़ू लेकर आई, झाड़ू से भी नहीं निकला, फिर एक डंडा लेकर आई उससे भी नहीं निकला, मतलब बहुत थोड़ा सा दूर में चला गया था और बहुत दिक्कत हो रहा था। तो देखिए छोटा सा डंडा है लेकिन उससे भी नहीं निकल रहा, एक स्टिक टाइप का है, मतलब कि छोटा वाला गन में मतलब डालकर मारता है तो दूर तक जाता है, लेकिन वो फंस गया था। रोहन परेशान हो गया था, निकल ही नहीं पा रहा था। अब मैं बहुत बार कोशिश की, देखिए अब मैं इससे बड़ा डंडा लेकर आई उससे भी नहीं निकला था फ्रेंड्स। और रोहन रोए जा रहा था कि नहीं मेरा निकालना है निकालना है। तो फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह से निकाल दूँ उसका, तो उससे भी नहीं निकला। तो फिर मैं लास्ट में मैं सोची कि देखती हूँ चढ़ा कर, तो उसी को मैं फिर ऊपर चढ़ा दी बहुत बड़ा रिस्क लेकर, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं, जिद करने लगते हैं किसी भी कोई भी चीज़ के लिए। तो फिर मैं उसी को चढ़ा दी ऊपर और अभी देखिए मैं उसको उतार ही नहीं पा रही थी। थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा डर लगता है फ्रेंड्स, बच्चे हैं तो फिर भी बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो देखिए अब मैं उसको उतार दी, अब वो खुश हो गया है अब। और अभी देखिए दोपहर का टाइम है, वही 2:30 बज गया फ्रेंड्स। सारा बर्तन वगैरह फिर मैं साफ़ की, अभी जस्ट साफ़ करके आ रही हूँ। और ये नाइटी आप लोग नया देख रहे होंगे, एक वीडियो में और दिखा होगा आपको दसवीं वाला में, मैं दसवीं को ही ली थी। यही जो दसवीं में मैं गई थी घूमने के लिए, वहीं रोड पर लगाए हुए होते हैं जो सेल लगा हुआ रहता है, ढेर सारा रोड पर था नाइटी बेडशीट बहुत सारा सामान, दसवीं को यहाँ पर सेल लगता है तो वहीं से मैं ली थी 100 रुपीज़ का। मुझे पसंद आ गया था इसलिए ले ली। मेरी भाभी लोग भी ली थी उस दिन जो मैं दिखाई थी आपको भाभी को। देखिए फ्रेंड्स रोहन जिद करके क्या ले लिया है, अभी लिया है थोड़ी देर पहले फेरी वाला से एक रंग ले लिया है। देखिए बोला पैसा जमा करूंगा, इतना बड़ा डब्बा में कभी पैसा जमा हो सकता है, नहीं कर पाएगा, और ले लिया है। मैं बोली थी कि मिट्टी का ले लेना जो इतना बड़ा आता है मिट्टी का, जो कुम्हार लोग बेचते हैं उसमें इसी तरह होल बना हुआ रहता है, मैं उस वो बोली थी लेने के लिए, इतना बड़ा ले लिया स्टील का डब्बा। और ये 100 रुपये का है। और एक प्लेट मैं ली, देखते दिल हार्ट बना हुआ है, अच्छा लग रहा था इसलिए ले ली रोहन को खेलने के लिए या फिर खाने के लिए। और एक ग्लास भी है, एक ग्लास और एक प्लेट देखिए। और ये 10-10 रुपए का प्लास्टिक का है, बस बच्चों को खेलने के लिए होता है, बस देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए मैं ली। और ये 100 का है, देखती हूँ कितना दिन में रोहन इसको भरता है। इसमें एक लॉक लेना होगा, यहाँ पर ताला लगा दूंगी, नहीं तो फिर वो रोज निकालेगा, रोज दुकान चला जाएगा निकाल कर खाने के लिए। और इधर से डालेगा, इधर मैं लॉक कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी गोदरेज में, नहीं तो फिर इधर से भी वो कोशिश करेगा निकालने का। तो बस ये सामान ली हूँ अभी, कल मैं जाऊँगी थोड़ा मार्केट क्योंकि हस्बैंड का जो शूज़ है वो फट गया है तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है जाने का, तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए लेकर आना, और वैसे भी मैं ही लेकर आती हूँ, मेरा भी कुछ सामान होता है तो वो लेकर आते हैं। तो देखूँगी कल अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं कल जाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी बिल्कुल शाम हो गया है, अभी मतलब 6:45 बज गया है और मैं लगी थी सिलाई करने के लिए, फिर बैठ गई थी
और बीच में एक फेसियल भी करना पड़ा मुझे, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। और मैं आपको जो बताना चाहती थी वो मैं बताना ही भूल गई। भूल क्या गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला इसीलिए मैं फिर नहीं बताई। मैं सोची कि अभी मैं बता देती हूँ। और बात वही है कि बहुत लोग तो जान ही गए हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो मुझे YouTube के तरफ से कम्युनिटी पोस्ट करने का ऑफ़र मिल गया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और कल रात में ही मैं जैसे ही जानी थी वैसे ही मैं एक फ़ोटो पोस्ट भी कर दी थी, तो कुछ लोग तो देख ही लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और मैं आज इसलिए बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा नया खुशखबरी मिलता है YouTube के तरफ से तो खुशी तो मिलती ही है, तो इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगी कल नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।